हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूर सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। तो क्या बोला जाता है कि अगर हम स्पेस में किसी भी पॉइंट या पार्टिकल को कंसिडर करें, तो स्पेस में अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें या किसी भी पार्टिकल की बात करें और ये बोलें कि इन पॉइंट या पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें डिफरेंट मिलेंगे, डिफरेंट होंगे इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो क्या देखा गया कि जब भी स्पेस में हम किसी पॉइंट या पार्टिकल की बात करते हैं तो उन पॉइंट या पार्टिकल के जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स हमें डिफरेंट मिलते हैं डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर। तो क्या बोला गया कि जब हमारे पास अगर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है और उन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से हम किसी भी पार्टिकल या पॉइंट की बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमें डिफरेंट ही मिलेंगे। तो क्या बोला गया कि अगर हम एक ऐसा इक्वेशन की बात करें, एक ऐसा इक्वेशन जो कि क्या करे, एक रिलेशन प्रोवाइड करे, एक रिलेशन प्रोवाइड करे इन बिटवीन द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। एफ ओ आर इज व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो क्या बोला गया, एक ऐसा इक्वेशन जो कि रिलेशनशिप प्रोवाइड करे बिटवीन टू या डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो इसी इक्वेशन को जो कि रिलेशन प्रोवाइड करेगा अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से, ताकि रिलेशन क्या कि हम इस पॉइंट को अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं या एक फ्रेम से दूसरे में किस तरीके से इस पार्टिकल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, उस इक्वेशन को नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये तो बात हो गई कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है, कि ये एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब क्या बोला गया आगे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको क्या बोल दिया गया कि एस एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इनर्शियल फ्रेम की बात कर दी गई, मतलब कि क्या हो गया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा होता है कि किसी भी फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो न्यूटन की पहली और दूसरी लॉ होती है वो इजिली होल्ड करता है या वो होल्ड करता है, तो उस फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो क्या बोला गया, एस मान लिया कि हमारे पास कोई एक इनर्शियल फ्रेम है और एस डैश एक और फ्रेम हमने कंसिडर किया और इस एस डैश को ऐसे कंसिडर किया कि ये क्या है, रिलेटिव मोशन में है, किसके साथ, एक रिलेटिव मोशन में है किसके साथ, विद एस, और इस तरीके से है कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, विद रिस्पेक्ट टू एक कांस्टेंट वेलोसिटी मान लिया कि वी नॉट के साथ मूव कर रहा है एस के रेस्पेक्ट में या रिलेटिव टू एस। तो क्या बोला गया कि अगर एस यहां पे इनर्शियल फ्रेम है और हमें यह पता है कि अगर एस हमारा इनर्शियल फ्रेम होता है और कोई भी दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इसके साथ में रिलेटिव मोशन में हो या रिलेटिवली एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है, तो ये जो दूसरा फ्रेम है इसके रिलेटिव वो भी हमारा कैसा हो जाता है, इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि एस अगर इनर्शियल है, एस डैश अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो एस डैश भी क्या हो जाएगा, हमारा इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अलग अलग ले लिए। यहां पे हमको क्या निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करनी है, इसलिए हमने दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कंसिडर कर लिए। अब क्या बोला गया कि अगर ये हमारा बेसिकली इस तरीके से हमने बोल दिया, अब क्या बोला गया कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम कुछ अजम्पशंस बनाएंगे। तो हम अज्यूम करेंगे, तो वी अज्यूम कुछ चीजें हम अज्यूम करेंगे इन दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहली बात क्या बोली जाएगी कि जो एस फ्रेम का और जो एस डैश फ्रेम का ओरिजिन है वो कॉन्साइड करता रहेगा किसी भी इंस्टेंट टाइम टी इज इक्वल्स टू, इंस्टेंट टाइम नहीं कहेंगे या टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे। तो क्या बोला गया, ओरिजिन ऑफ बोथ फ्रेम्स कॉन्साइड्स एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो टी इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पे जो एस फ्रेम का ओरिजिन होगा और एस डैश का ओरिजिन होगा, दोनों क्या कर रहे होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे। ऑब्वियस है क्योंकि ये बोला जा रहा है कि ये इसके रिलेटिवली इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो
टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे तो ओरिजिन दोनों के कोइंसाइड कर ही रहे होंगे, तो ये पहला एजम्पशन था। दूसरा एजम्पशन क्या बोला गया, ऐसा माना गया कि हमने ये जो दोनों ही फ्रेम्स लिए हैं वो इस तरीके से लिए हैं कि एक्सिस जो है वो पैरेलल है दोनों ही फ्रेम्स के। तो क्या बोला गया कि द एक्सिस ऑफ सेकेंड फ्रेम आर पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम। तो ये दूसरी अजम्पशन हो गई। और तीसरा अजम्पशन ये बनाया कि जो पहला फ्रेम होगा और दूसरा फ्रेम होगा तो उसमें बोला गया कि दूसरा वाला फ्रेम, दैट इज मान लिया कि एस डैश दूसरा फ्रेम है, एस पहला फ्रेम है, तो बोला गया कि जो दूसरा फ्रेम है वो एक वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट अलोंग एक्स एक्सिस के मूव कर रहा होगा। तो क्या बोल दिया गया, जो तीसरी बात बोल दी गई वो बोला गया कि द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड फ्रेम, द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड फ्रेम, द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड फ्रेम relative to first is v naught along x axis। तो x axis के along जो second वाले frame की velocity होगी वो v naught होगी, that is वो एक relative constant velocity के साथ move करते रहेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों ही frames के respect में कुछ assumptions बना दिए। तो इनको अगर figure के form में देखा जाए इनके assumptions के हिसाब से, तो क्या बोल दिया गया, एक हमने ऐसा फ्रेम कंसिडर कर लिया, मान लिया ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हमारी ओरिजिन हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, एस फ्रेम हो गया। दूसरा एक और फ्रेम हमने क्या कंसिडर किया है, एस डैश फ्रेम कंसिडर किया है, और ये क्या हो गया, एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश, ये हमारा ओ डैश ओरिजिन हो गया और ये एस डैश फ्रेम हो गया। तो हमने अजम्पशंस क्या बोले थे कि ऐसे अज्यूम करेंगे कि किसी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ओ और ओ डैश कोइंसाइड कर रहा होगा। दूसरा अजम्पशन क्या माना था कि जो भी एक्सेस होंगे इन दोनों ही के, एस और एस डैश फ्रेम के, वो पैरेलल होंगे, तो इस वजह से हमने क्या लिया, सेम उसी तरीके के एक्सेस कंसिडर कर लिए। और तीसरा अजम्पशन ये था कि वेलोसिटी जो होगी सेकेंड फ्रेम की वो वी नॉट होगी अलोंग एक्स एक्सिस, तो वी नॉट अलोंग एक्स एक्सिस उसकी वेलोसिटी हो गई। अब मान लिया कि इस स्पेस में कोई एक पॉइंट हमने बना लिया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमें बताना है, तो किसी पॉइंट या किसी पार्टिकल को ही स्पेस में रख के उसके रिलेटिवली इन दोनों से कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक फ्रेम से दूसरे में, या एक रिलेशन जो इन दोनों के बीच में प्रोवाइड किया जाएगा इस पार्टिकल की वजह से, तो वो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया या कोई पॉइंट पी कंसिडर कर लिया। अब क्या करना है कि हम क्या निकालेंगे, इस पार्टिकल का या इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे विद रिलेटिव टू दीज टू फ्रेम्स। तो बोल सकते हैं कि द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू टू फ्रेम्स आर गिवेन एज। तो कैसे हो जाएगा, अब पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ओरिजिन से पॉइंट तक क्या होता है, हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो एक पोजीशन वेक्टर हमने बना लिया, ये हमारा आर वेक्टर हो गया, ठीक है। ओ डैश से एक बना लिया, ये हमारा आर डैश वेक्टर हो गया। अब ओ डैश की बात करनी है तो क्या बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक वी नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो स्पीड की बात करें तो वी नॉट वेलोसिटी हो गया इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ओ डैश, तो ओ डैश अपॉन टाइम, किसी भी इंस्टेंट टाइम टी की अगर बात कर ले कि किसी इंस्टेंट टाइम टी पे इस पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा इन दोनों के रेस्पेक्ट में वो कैसा मिलेगा। तो कोई टाइम टी मान लिया तो ओ डैश की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट टी आ गई। तो यहां से क्या देखा कि ये ओ डैश हमारा किस वेक्टर से डिनोट करेंगे, वी नॉट टी से। तो क्या देखा, इस तरीके से देख लिया। अब जब हम लगाएंगे क्या, वेक्टर का एडिशन लॉ लगाएंगे तो क्या देखा जाएगा, एक तो वेक्टर ये बन गया हमारा, दूसरा वेक्टर ये बन गया, और तीसरा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं कि आर वेक्टर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है वो किन दो वेक्टर से मिलकर बना होगा, एक वेक्टर ये कंप्लीट ओ डैश, दूसरा वेक्टर ओ डैश पी, एंड तीसरा, तो ओ डैश इज व्हाट, आर डैश वेक्टर प्लस वी नॉट टी।
ये क्या हो गया, एक रिलेशन मिल गया हमें, क्या कि किस तरीके से एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में हम पोजिशन वेक्टर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, आर डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस वी नॉट टी के बराबर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर डैश के टर्म में लिख दें या आर डैश के टर्म में लिख दें। तो यहां से क्या देखा कि दोनों रिलेटिव वेक्टर्स के टर्म में या दोनों पोजिशन फ्रेम्स के रेस्पेक्ट में हमने पोजिशन वेक्टर निकाल दिया। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला है, यही इक्वेशन जो है हम उसको क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पोजिशन वेक्टर हमने सिंपली क्या देखा कि हम लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर डैश प्लस वी नॉट टी, और हम क्या लिख सकते थे इसको, आर डैश इज इक्वल्स टू आर माइनस वी नॉट टी। इसको क्या बोल दिया, ये इक्वेशन वन बोल दिया। अब इसका कॉम्पोनेंट फॉर्म अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इन कॉम्पोनेंट फॉर्म द कोऑर्डिनेट्स कैन बी गिवन एज, इन कॉम्पोनेंट फॉर्म द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज, क्या हो जाएगा, आर डैश दैट इज एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी नॉट टी हो जाएगा। वाई डैश की बात करें तो सिंपली वाई डैश हमारा वाई के बराबर हो जाएगा और जेड डैश हमारा जेड के बराबर हो जाएगा। और इसको हमने इक्वेशन टू बोल दिया कि कॉम्पोनेंट फॉर्म में किस तरीके से हम इस पोजिशन वेक्टर को लिख सकते हैं। अब वी नॉट टी जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स के ही आगे लिखा है, क्यों, क्योंकि जो हमने फ्रेम माना है वो ये माना था कि दैट इज जो फ्रेम के रेस्पेक्ट में अजम्पशंस माने थे वो ये माने थे कि जो भी हमारी वेलोसिटी हो रही है वो क्या हो रही है, या जो दूसरा फ्रेम हमारा एस डैश था वो एक्स एक्सिस के ही अलोंग एक वी नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इस वजह से जो भी चेंजेस देखने को मिले वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलोंग देखने को मिले, वाई डैश वाई हो गया क्योंकि वो दोनों पैरेलल थे और जेड डैश भी जेड हो गया क्योंकि वो दोनों पैरेलल चल रहे थे। तो इस तरीके से कॉम्पोनेंट फॉर्म में हमने वैल्यूज को लिख दिया। अब क्या बोला गया कि ये जो इक्वेशन वन एंड टू है, ये जो इक्वेशन वन एंड टू है वो क्या शो कर रहे हैं, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहे हैं, क्या कि किसी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पोजीशंस या किसी भी पॉइंट या किसी भी पार्टिकल को। तो ये जो इक्वेशन वन और टू है, यही इक्वेशन वन और टू क्या कहलाए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाए। ये क्या हो गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे क्या बात की गई, अब तो ये तो ठीक है, देख लिया गया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को क्यों नाम दिया गया, क्योंकि बोला गया कि एक ऐसा इक्वेशन जो कि एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, और उस दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से एक जो है फ्रेम वो दूसरे के रिलेटिव मोशन में हो, ठीक है। तो यहां पे हमने जो दो एस और एस डैश फ्रेम माना है उसमें एस डैश क्या है, एक रिलेटिव मोशन में है एस के साथ, इसलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था उसको हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना, या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगा कि किस तरीके से एक फ्रेम से हम दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल के पोजिशन को। तो आर डैश इज वॉट, एस डैश वाला फ्रेम, और आर क्या, एस वाला फ्रेम, तो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या आर से, या बेसिकली आर डैश में, या मतलब कि एस से एस डैश में। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गया। अब सिंस वो दूसरा रिलेटिव मोशन में था इसलिए इस इक्वेशन को हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से बोल दिया। अब आगे क्या बात बोली गई कि ठीक है, ये जो भी पोजिशन है वो तो कंप्लीटली डिपेंड करेंगे ऑन रिलेटिव मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। आगे कुछ और अजम्पशंस किए गए और बोला गया कि नेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम देखते हैं कि स्पेस और टाइम के नेचर पे किस तरीके से ये इक्वेशंस डिपेंड करते हैं। तो अब क्या अज्यूम किया जाएगा, तो कुछ अजम्पशंस बनाए गए, या कुछ अजम्पशंस बनाए गए रेस्पेक्ट टू व्हाट, नेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर टाइम की बात करी जाए, तो टाइम की जब बात की गई तो टाइम के लिए क्या बोला गया कि किसी भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात करें तो टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम एनी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इन एनी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सिंपली बोला गया कि टाइम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर
फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसका क्या मतलब हो गया कि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है. तो हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, हमने दो फ्रेम्स कंसिडर किए हुए हैं, एक फ्रेम हमारा एस है और एक फ्रेम हमारा एस डैश है. अब जैसे ही ये बात बोली गई, दैट इज जब नेचर ऑफ टाइम देखा गया, तो वहां पे क्या देखा गया कि जब टाइम के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो बोला गया कि टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी रिलेटिव, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें या किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें. तो यहां पे क्या बोला गया कि सिंस जब हमने दो फ्रेम्स कंसिडर किए हुए हैं, तो बोला गया कि अगर ओ और ओ डैश पे दो ऑब्जर्वर्स खड़े हैं और ये दोनों ही ऑब्जर्वर्स, तो ओ क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, या मान लिया कि कोई ऑब्जर्वर एस फ्रेम की बात करी जा रही है, और वहीं जब ओ डैश की बात करी गई तो बोला गया कोई एक हम ऑब्जर्वर ले रहे हैं जो कि एस डैश फ्रेम का है. अब क्या बोला गया, यहां पे एक पार्टिकल हमारा सिचुएटेड है, तो बोला गया कि अगर ये दोनों ऑब्जर्वर जो कि ओ और ओ डैश दो ऑब्जर्वर है, ये दोनों ही ऑब्जर्वर अगर इस पी पॉइंट के इवेंट को देखते हैं, या जो भी कह सकते हैं कि इवेंट यहां पे अकर हो रहा है उसको अगर कंसिडर करते हैं, तो देखा जाता है कि ये दोनों ही ओ और ओ डैश दोनों ही सेम टाइम पे इस इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे. दैट इज कोई भी इवेंट अगर इस पॉइंट पे अकर हो रही है तो इस पॉइंट पे खड़ा ऑब्जर्वर और इस पॉइंट पे खड़ा ऑब्जर्वर दोनों इस पॉइंट के इवेंट को एक साथ ही ऑब्जर्व करेंगे. तो कोई भी इवेंट यहां पे अगर अकर कर रहा होगा तो वो सेम टाइम पे इन दोनों ही ऑब्जर्वर्स को दिखेगा. इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो जाए, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सिंपली कि कोई भी हमने एक अज्यूम कर लिया है एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो बोला कि हम किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट से, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर हम ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल को सेम टाइम पे किसी भी फ्रेम्स में प्रेजेंट हो, वो पार्टिकल को सेम टाइम पे ऑब्जर्व करेंगे. तो यहां से देखते हुए क्या बोला गया कि एस और एस डैश दो फ्रेम्स है, तो एट सेम टाइम पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन जो होगा, ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, एट सेम टाइम होगा, सेम टाइम पे होगा एस आर एस डैश से. दैट इज क्या बोला गया, टी इज इक्वल्स टू टी डैश. तो किसी इंस्टेंट मान लेते हैं कि टी टाइम पे एस फ्रेम में देखा और टी डैश टाइम पे एस डैश फ्रेम में देखा, तो ये टी और टी डैश बराबर होगा क्योंकि सेम टाइम पे पी पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्वर्स. तो ये तो बात हो गई एक, क्या हो गया नेचर ऑफ टाइम. तो जब टी इज इक्वल टू टी डैश मिल गया तो बोला गया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सम इक्वेशन जो है वो हम फर्दर और क्या उसको लिख सकते हैं, तो बोला गया कि एक्स डैश जो था वो एक्स माइनस वी नॉट टी था, वाई डैश इज इक्वल टू वाई था, जेड डैश इज इक्वल टू जेड था, एंड अब एक और हमें इक्वेशन मिल जाएगा जो कि क्या हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू टी. और इसको बोल दिया कि ये हमारा इक्वेशन मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा थ्री हो गया. और ये इक्वेशन थ्री क्या है, ये इक्वेशन थ्री हमारा बेसिकली ये भी क्या हो गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया, जस्ट एक और इक्वेशन हमारा ऐड हो गया है क्योंकि हम नेचर ऑफ टाइम को भी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. और ये क्या देखा गया कि टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी फ्रेम से हम देखे थे. तो ये इक्वेशन थ्री भी हमारा क्या हो गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. अब फर्दर एक और बात क्या बोली गई कि अब नेचर ऑफ स्पेस की अगर हम बात करें, तो अगर हम नेचर ऑफ स्पेस को कंसिडर करें, नेचर ऑफ स्पेस की बात करें, तो क्या बोला गया कि अगर हम किसी भी दो पॉइंट या दो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को अगर हम मेजर करते हैं, तो हर अलग अलग या किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देखेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट या डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा ऑफ एनी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दैट इज किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम देखेंगे तो दो पार्टिकल या दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी. जिस तरीके से क्या देखा अभी टाइम का देखा कि टाइम हमेशा सेम रहेगा, उसी तरीके से देखा गया कि जो लेंथ था या जो डिस्टेंस थी वो भी हमेशा सेम रहेगी, चाहे हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो क्या देखा गया कि लेंथ इज ऑल्सो वॉट, लेंथ या कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, नेचर ऑफ स्पेस में बात की गई कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और पार्टिकल्स क्या बोला गया आर
independent of any particular फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो क्या बोला गया कि किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस या दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम एनी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज वो चेंज नहीं होती है. तो सिंपली क्या बोला गया कि अगर मान लेते हैं कि एस फ्रेम में हम किसी भी लेंथ की बात करें तो एक रॉड ही है, मान लेते हैं उसकी लेंथ एल है. तो मान लिया कि एक रॉड है हमारे पास, लेंथ उसकी क्या है एल के बराबर है. अब इस रॉड की लेंथ को हम एस फ्रेम के अंदर अगर देखते हैं तो बोला गया कि एस फ्रेम के अंदर अगर हम कंसिडर करते हैं और मान लिया कि जो एंड पॉइंट्स है इस रॉड के वो एक्स वन और एक्स टू है, तो एल यहां पर हमें क्या मिलेगा, एल जो होगा एक्स टू माइनस एक्स वन. तो हमें यहां से अगर मान लिया कि एंड पॉइंट्स जो है वो x1 और x2 है तो लेंथ क्या मिल जाएगी रॉड की, x2 माइनस s1. ये हमारा s फ्रेम के अंदर हो गया. इसी तरीके से अगर हम बोले कि रॉड की लेंथ अगर हम s डैश फ्रेम के अंदर देखें तो s डैश फ्रेम के अगर अंदर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, l डैश हो जाएगा. ठीक है, तो मान लिया कि l डैश हो गया लेंथ, तो l डैश की बात कर देंगे तो मान लिया कि इनके एंड पॉइंट x1 डैश और x2 डैश है तो l डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 डैश माइनस x1 डैश. तो इसको देखते हुए क्या बोला गया कि s फ्रेम में तो x2 माइनस x1 मिल गया, s डैश फ्रेम में x2 डैश माइनस x1 मिल गया. और हम ये देखते हैं कि जब भी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाले या दो पार्टिकल निकाले तो वो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से. तो इसको देखते हुए क्या बोला जाता है कि एल डैश जो होगा वो एल के बराबर होगा, या कह सकते हैं कि एक्स टू डैश माइनस एक्स वन जो होता है वो एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज हमें क्या मिल गया, एल डैश इज इक्वल्स टू एल. तो यहां से ये देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इनवेरिएंट होती है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कोई हम सिंपली जिस तरीके से पोजीशन को कर रहे हैं उन्हीं के कोऑर्डिनेट्स फॉर्म को हम लिख सकते हैं. तो यहां से क्या देखा कि अगर एक्स टू एक्स वन एक्स टू डैश एक्स टू वन डैश ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए एस और एस डैश फ्रेम में तो हमें लेंथ जो है वो सेम मिल रहा है. तो इसको देखते हुए क्या बोला गया कि लेंथ इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. अब क्या बोला गया कि जब लेंथ जो है इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अब फर्दर क्या बोला गया कि अगर हम अपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या जो हमारा पोजिशन वेक्टर था उसके टर्म की बात करें तो क्या मिला था हमें, आर इज इक्वल्स टू आर डैश प्लस वी नॉट टी के बराबर मिला था. अब क्या बोला गया, ये सिंपली हमारा इक्वेशन वन था. तो अगर इक्वेशन वन को हम विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू टी तो क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी आर डैश अपॉन डी टी प्लस वी नॉट टी. तो टी के रेस्पेक्ट में करें तो वी नॉट आ जाएगा. तो ये क्या हो गया, हम इसको वी लिख देंगे इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा प्लस v नॉट हो जाएगा. तो ये एक इक्वेशन मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर फोर. और ये इक्वेशन क्या कहलाता है, यहां पे क्या देखा, v जो होगा पार्टिकल की वेलोसिटी होगी s फ्रेम में, v डैश जो होगा पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v डैश फ्रेम में, और v नॉट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होगी क्या कि s फ्रेम के रेस्पेक्ट में s नॉट जो सॉरी s डैश मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट. तो बेसिकली क्या मिला कि हमें यह देखने को मिला कि वेलोसिटी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जा रही है. तो इस इक्वेशन को क्या बोला गया, ये जो इक्वेशन फोर है इस इक्वेशन फोर को बोला गया गैलीलियन लॉ ऑफ वेक्टर सॉरी गैलीलियन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी. तो ये तो हो गई वेलोसिटी की. आगे अगर इसी इक्वेशन को हम विद रेस्पेक्ट टू टी फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं या इक्वेशन फोर को विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इक्वेशन फोर हमारा क्या हो गया, वी डैश प्लस वी नॉट, ये हमारा इक्वेशन फोर था. अब वी नॉट जो है वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है जिससे कि एस डैश विद रेस्पेक्ट टू एस मूव कर रहा है.
अब अगर इस इक्वेशन 4 को विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू dv डैश अपॉन dt। अब ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि s डैश जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट के साथ विद रेस्पेक्ट टू s मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कांस्टेंट वैल्यू, तो अब क्या करेंगे, जब इनको फर्दर डिफरेंशिएट किया तो यहां से ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए डैश के बराबर। तो क्या देखा कि अगर हम किसी भी पार्टिकल या पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात करें एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों ही फ्रेम में सेम होगा। तो यहां से क्या देखते हुए बोला गया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जो एक्सेलरेशन होगा वो दोनों ही फ्रेम्स में सेम होगा। तो इतनी बातें देखी गई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के। तो सिंपली कंक्लूड क्या किया गया, या कुछ अजम्पशंस जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर बनाए गए वो क्या थे, कि जो हमारा टाइम होगा वो एक यूनिवर्सल टाइम बेसिकली होगा, दैट इज वो किसी भी फ्रेम के अंडर हम स्टडी करें टाइम को, टाइम हमारा क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा बाय चेंजिंग ऑफ फ्रेम, तो टाइम जो होगा वो चेंज नहीं होगा। दूसरा अजम्पशन क्या था, कि अगर हम किसी भी फ्रेम के अंडर बात करें तो लेंथ जो होती है वो इनवेरिएंट होती है, लेंथ जो है कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से लेंथ किसी भी पार्टिकल के या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कभी चेंज नहीं होगी। या सिंपली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बोला जाता है कि अगर कोई भी दो इवेंट अकर हो रहे हैं किसी फ्रेम में तो ऑब्जर्वर को वो सेम टाइम पे देखेंगे, या कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर दो इवेंट को किसी सर्टेन टाइम पे देख रहा है तो वो सारे ही ऑब्जर्वर सेम उसी टाइम पे उन इवेंट्स को देख रहे होंगे, या टाइम इंटरवल जो होगा दो इवेंट्स के बीच का वो सारे ही ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होगा, चाहे हम किसी भी तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लें। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम और लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती है, वो इनवेरिएंट होती है। इतनी बात देखी गई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। तो सिंपली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, या सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की बात करें तो क्या था, कि किसी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए एक हमें इक्वेशन चाहिए, वही इक्वेशन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहला गया। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो क्या बोला गया, कि अगर हमें दो इक्वेशंस के बीच में अगर कोई रिलेशन प्रोवाइड करना है और वो जो दोनों ही रिलेटिव फोर्स है, या कह सकते दोनों ही रिलेटिव फ्रेम्स हैं, वो पहला फ्रेम जो है दूसरे के रिलेटिव मोशन में होना चाहिए, दैट इज एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए। तो इतनी बातें थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।